नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube के बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में, जहां आपको मिलेगी किडनी और किडनी डाइट से जुड़ी सारी जानकारी बस एक क्लिक में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खास सवाल का जवाब देने वाली हूं, जो कि किडनी रोगियों की डाइट से जुड़ा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम सवाल के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो सवाल क्या है जिसके ऊपर आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो सवाल ये है कि क्या किडनी रोगी बेल पर लगने वाली सब्जियाँ खा सकते हैं? ये सवाल अक्सर हमसे बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, जिसका जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। अगर आप भी अपने किसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप अभी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और जानते हैं कि क्या किडनी रोगी बेल पर लगने वाली सब्जी खा सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और अभी हमारे YouTube चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब करें। किडनी रोगी का डाइट प्लान बनाते हुए सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी होती है कि उन्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं देनी है जिससे पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इससे किडनी रोगी की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी और दूसरा, किडनी रोगी को दिल से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। अब आपको बता दें कि हमारी बॉडी में जो पोटेशियम आता है वो हमारी डाइट से हमारी बॉडी में आता है, ये हमारी बॉडी में नहीं बनता। सब्जियों के बारे में बात करें तो पोटेशियम उन सब्जियों में ज्यादा पाया जाता है जो कि जमीन के नीचे उगाई जाती हैं, जैसे अरबी और जिमीकंद। अब आप कहेंगे कि मूली, गाजर और आलू भी जमीन के नीचे उगते हैं, तो किडनी रोगी इन्हें क्यों खा सकते हैं? तो आपको बता दें कि इन सब्जियों को कुछ मात्रा में किडनी रोगी को दिया जा सकता है। आलू किडनी रोगी ले सकते हैं, लेकिन जिनको शुगर है वो इसे नहीं ले सकते। और वैसे भी आलू बहुत कम मात्रा में ही दिया जा सकता है ताकि बॉडी में पोटेशियम का लेवल मेंटेन रहे। रही बात गाजर और मूली की, तो इनमें पोटेशियम जरूर होता है लेकिन बाकी जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों के मुकाबले कम। अब किडनी मरीज आखिर खाए क्या? तो ऐसे में बात आती है बेल पर उगने वाली सब्जियों की। जो भी सब्जी बेल पर उगती है उनमें पोटेशियम जरूर होता है, लेकिन एकदम न के बराबर। दूसरा, इन सब्जियों में कैलोरी भी काफी कम मात्रा में होती है। बेल पर लगने वाली सब्जियां बहुत जल्द ही पच जाती हैं और ये सब्जियां हमें कई शारीरिक समस्याओं से बचाती हैं। इसमें सबसे ज्यादा पेट और यूरिन से जुड़ी समस्याएं होती हैं। इसलिए किडनी रोगी को बेल पर उगने वाली सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। बेल पर उगने वाली सब्जियों से मिलने वाले फायदों के बारे में बात करें तो इससे हाई ब्लड प्रेशर, यूरिन से जुड़ी समस्याएं, पेट की समस्याएं, सूजन और डायबिटीज की समस्या में भी तेजी से आराम मिलता है। ये सभी वो शारीरिक समस्याएं हैं जिससे कि हर किडनी रोगी जूझ रहा होता है। अब जिन लोगों को पता नहीं कि बेल पर उगने वाली सब्जियां कौन सी है तो हम बता देते हैं। तो बेल पर उगने वाली सब्जियां हैं लौकी, तोरी, परवल, हरा कद्दू और टिंडा। ये वो सभी सब्जियां हैं जो कि हमें अक्सर खाना पसंद नहीं होती, लेकिन किडनी रोग से छुटकारा पाने के लिए ये सभी सब्जियां अमृत से कम नहीं है। तो ये था आज के सवाल का जवाब। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, YouTube के बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है पेशेंट का? बैराग चरण बिस्वाल। जब आए थे कितना था क्रिएटिनिन? 4.4 था। अभी कितना है क्रिएटिनिन? 2.58। कितना टाइम हुआ आपको ट्रीटमेंट शुरू कराए? 3 वीक हुए, 3 वीक हुए, 3 हफ्ता हुआ। किस तरह की कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, पहले से बेटर फील कर रहे हैं आप तो, बेटर लग रहा है।